नमस्कार किसान भाइयों, आज हम सोनालिका DLX DI50 ट्रैक्टर की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और इनके मालिक का अनुभव कैसा रहा है, इन्होंने इसको कब खरीदा है, इसको क्यों खरीदा और अभी ये इसको कौन कौन से कार्य में यूज़ करते हैं, ये कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरा नाम मांगीलाल प्रजापत है, मैं नयापुर चौक का जोधपुर राजस्थान का निवासी हूँ। यह ट्रैक्टर आपने कब खरीदा? अभी मैंने पहले मई में खरीदा है, मई 2022 में खरीदा। हम चलाने की दृष्टिकोण से देखें तो यह चलाने में कितना आरामदायक है? ये बहुत आरामदायक है और आरामदायक इसलिए है, इसकी जो सीट है चौड़ी और आरामदायक सीट है और इसके अलावा जो इसकी स्टीयरिंग है ये भी बहुत अच्छी आराम से है, पावर स्टीयरिंग है, आराम से ट्रैक्टर मुड़ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आरामदायक होने की दो वजह होती है दोस्तों, एक तो बैठने की जगह आरामदायक होनी चाहिए, तो इसमें डिलक्स टाइप की सीट दे रखी है जो कि बहुत ही ज़्यादा चौड़ी और अच्छी सेंसिंग के साथ है। इसके अलावा इसमें दोस्तों कंपनी ने पावर स्टीयरिंग दे दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो पावर स्टीयरिंग होने की वजह से किसान को जुताई के समय मोड़ने में जैसे हम कार को ड्राइव करते हैं उतना आसान हो गया आजकल ट्रैक्टर को चलाना। इसका गियर सिस्टम देख लेते हैं, इसका गियर सिस्टम के बारे में आपको कौन सी बातें अच्छी लगी? इसमें सर तीन ऑप्शन है, हाई, मीडियम और लो, इसमें तीनों गियर हैं। और इसमें साइड शिफ्ट गियर दे रखा है। अच्छा, मेन गियर में बताइए। मेन गियर इसमें सर चार गियर। रिवर्स करने के लिए शटल दे रखा है, रिवर्स गियर नहीं है यहाँ पे। इसमें देख सकते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स लिखा हुआ है, देखिए ये शटल है, आगे किया हुआ है तो फॉरवर्ड और पीछे किया हुआ है तो रिवर्स। अच्छा, शटल होने की वजह से आपको क्या फायदा लगा? फायदा एक ही गियर में काम सकते, जो गियर लगा उस गियर में आगे पीछे कर सकते हैं, बहुत आरामदायक। और सेम स्पीड में, स्पीड जितना आगे स्पीड से चला सकते हैं उतना ही पीछे चला सकते हैं, कोई भार नहीं पड़ता और आराम से काम हो जाता है और काम फास्ट हो जाता है। एंड हाई तो हम जानते ही हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे बहुत धीरे धीरे चलाना होता है तो लो लगा देते हैं, स्पीड से चलाना है, नॉर्मली चलाना है तो हम हाई लगा देते हैं, और मीडियम वहाँ पे काम में लेते हैं दोस्तों जैसे हम प्लाउ काम में ले रहे हैं जिसमें हमें ऐसी स्पीड चाहिए जो कि लो एंड हाई के बीच की हो और ट्रैक्टर का स्पीड और ताकत का बैलेंस रहे, तो उस समय हम अपना कौन सा मीडियम गियर काम में लेते हैं। अच्छा, आपने इसका पिकअप चेक किया होगा, इसका पिकअप कैसा है? इसमें हाई टॉर्क है इसलिए इसका पिकअप बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं 52 HP इंजन कैटेगरी के साथ इसमें 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रखा है, इसकी वजह से यह बहुत ही अच्छा पिकअप लेता है। पिकअप का फ़ायदा होता है दोस्तों ढुलाई में, जैसे हम चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं तो वहाँ पर यदि हमारा ट्रैक्टर का पिकअप अच्छा है तो वो स्पीड नहीं तोड़ेगा, ब्रेक रिवर्स में नहीं जाएगा, नहीं तो यदि पिकअप कम है, ताकत कम है तो ट्रैक्टर कई बार चढ़ाई में वापस रिवर्स चलने लग जाता है और जिससे बड़े बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है। इसकी वजह से इसमें हाई टॉर्क के साथ साथ पिकअप भी काफ़ी अच्छा हो गया है। मैं देख पा रहा हूँ आगे से दोस्तों इन्होंने इस ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवा दिया अपने यूजेज के अनुसार, लेकिन इसकी लाइट वही अभी सेट की हुई है जो इस ट्रैक्टर के साथ आई हुई है, तो इन लाइट को देखकर मुझे कुछ अलग फील हो रहा है, तो इसमें अलग क्या है वो ये बताएंगे। अलग इसमें ऐसा है, इसमें एक LED लाइट लगी हुई है, इसके अलावा इसके अंदर दो तरह की लाइटें लगी है, बड़ी लाइट भी है जो बहुत लंबी लाइट फेंकती है और बहुत अच्छी रोशनी देती है। अच्छा, इसमें ये जो बम्पर है ये कंपनी का साथ आया हुआ है या आपने अलग से सेट किया है? ये कंपनी के साथ आया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसमें प्रो टाइप का बहुत ही बड़ा बम्पर दे रखा है जो कि बहुत मजबूत है और काफ़ी वजन में होने की वजह से ट्रैक्टर आगे से ऊपर कम उठता है। साइड के लैंप की बात करूं तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं LED लैंप दे रखे हैं, क्या इन LED लैंप होने की वजह से आपका बैटरी कम खर्च होता है? हां, इसमें बैटरी कम खर्च होगा और बैटरी ज़्यादा चलेगी। इसका कलर मुझे काफ़ी चमकदार लग रहा है, इसका कलर किस टाइप का है? ये मेटेलिक कलर इसलिए आपको चमकदार लग रहा है। ट्रैक्टर में पीछे के टायर जो बहुत अच्छे हैं और चौड़े दे रखे हैं जो मजबूत टायर है। पीछे के ट्रैक्टर का टायर का साइज क्या है? 14 के हैं, 14 इंची के। अभी हम देख सकते हैं दोस्तों इन्होंने लोडर सेट कर रखा है। अब इन्होंने सोनालिका ट्रैक्टर पर लोडर बनाने का क्यों डिसीजन लिया,
ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, लोडर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? हाइड्रोलिक सिस्टम चाहिए, और वो भी पावरफुल होना चाहिए। तो इसमें जो हाइड्रोलिक लिफ्ट दे रखी है, इसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम दे रखा है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का दे रखा है। इसमें 2000 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी दे रखी है, यानी इसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हाइड्रोलिक सिस्टम दे रखा है। इसकी वजह से इस पर एकदम अच्छे से लोडर आसानी से काम कर रहा है। और लोडर कैसा काम कर रहा है ये खुद बता देंगे। लोडर बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैंने इसको यूज में लिया है और ले रहा हूँ, बहुत अच्छा तरीका अच्छा चल रहा है। अच्छा, इसमें कभी कभार प्रेशर वगैरह में नहीं, प्रेशर नहीं टूटता कभी? कभी नहीं, प्रेशर नहीं टूटता। इसमें जो चलने की ताकत है, क्षमता उठाने की, बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जाना, और अभी हम इनसे और डिटेल में थोड़ा सा सजेशन लेना चाहेंगे, और ये किसानों के साथ ऐसी कौन सी बातें हैं जो शेयर करना चाहेंगे, थोड़ा सा इनसे और कुछ सुनते हैं। अच्छा, आप फाइनल यदि कुछ शब्दों में इस ट्रैक्टर की विशेषताओं को बताना हो, और कोई किसान यदि खरीदना चाहता है तो इसको क्यों खरीदना चाहेगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि सोनालिका ट्रैक्टर एक भारत की कंपनी है, इसको लेना चाहिए, दूसरी कंपनियों को नहीं लेना चाहिए। इसमें जो खूबियाँ हैं, कंपनी ने दी, बहुत ही अच्छी अच्छी खूबियाँ दी हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी दी है, और बहुत ही अच्छा चल रहा है। और दोस्तों, यदि हम इतने सारे फंक्शन, जैसे इसमें सेटल दे रखा है अपना, और 52 HP है, हाई टॉर्क है, इतने सारी खूबियों का होने के बावजूद भी जो विदेशी कंपनियों के ट्रैक्टर आते हैं उनकी तुलना में हमारे सोनालिका ट्रैक्टर की कीमत बहुत कम है, हमें लगभग 1 लाख रुपये से ज़्यादा की बचत होती है, सही है ना? तो दोस्तों, हम क्यों अपने पैसे विदेशी कंपनियों को दें, हम अपना इंडिया का ट्रैक्टर ही खरीदें, वो है हमारा सोनालिका ट्रैक्टर। इस प्रकार से दोस्तों, हमने अभी सोनालिका DLX 50 की कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।